धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। टू मुंगेर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, तो दुर्गा पूजा में हम कहीं भी रहे, हमारा सुकून और दिल जो है वो मुंगेर में ही बसता है, क्योंकि जब तक बड़ी दुर्गा का दर्शन नहीं कर लेते हमें सुकून नहीं मिलता। गाइस, तो आज फाइनली मुंगेर आ चुके हैं बड़ी दुर्गा का दर्शन करने के लिए। गाइस, हर साल आप लोगों को दर्शन करवाते हुए आए हैं, इस बार भी दर्शन करवाएंगे और आगे भी करवाते रहेंगे। गाइस, जब तक हम रहेंगे, जब तक बड़ी दुर्गा का दर्शन नहीं करते सुकून नहीं मिलता। बड़ी दुर्गा यानी कि मुंगेर की बड़ी दुर्गा पूरे भारत में मशहूर है। गाइस, दुनिया का इकलौता ऐसा माता रानी का दरबार है जो कि माता का स्वरूप जो है वो कभी चेंज नहीं होता, और साक्षात दर्शन करना है तो आप लोगों को नवरात्रि में ही आना पड़ेगा। तो नवरात्रि में हम इसलिए आते हैं क्योंकि साक्षात आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवा दे। ये पूरा दरबार जो है माता रानी का ही है और हम मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं। चलते हम आप लोगों को बड़ी दुर्गा का दर्शन भी करवाएंगे, उसके बाद पूरा मुंगेर का मेला भी दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर तक बने रहिएगा। बड़ी दुर्गा के दरबार पहुँच चुके हैं। ये है बड़ी दुर्गा महारानी जी का मेन गेट। गेट बहुत प्रसिद्ध है गाइस, और इस गेट से होते हुए भी हम मंदिर तक चलेंगे। रास्ता है गाइस बड़ी दुर्गा जाने का, आप देख सकते हैं ऊपर इस तरह का थीम बनाया गया है, जैसे लगेगा से होते हुए मंदिर तक जा रहे हैं। और रास्ते में बड़ी दुर्गा का जब प्रसाद और फाइनली गाइस माता के दरबार हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं सामने में बड़ी दुर्गा महारानी जी का मंदिर। हर एक साल की तरह इस साल भी हम आप लोगों को माता रानी से दर्शन करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार का इकलौता ऐसा माता रानी का दरबार है जिसकी प्रतिमा का स्वरूप कभी चेंज नहीं होता, इसी कारण हम ये हर साल आते हैं आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। गाइस, भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है। ये हम बड़ी दुर्गा महारानी जी का मेन मंदिर, और ठीक अंदर में बड़ी दुर्गा महारानी जी का प्रतिमा है। अभी ये भीड़ देख सकते हैं, ये रास्ता है, और अभी हम अंदर चलेंगे, पूरा आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। मंदिर का स्वरूप जो है आगे का वो हर साल चेंज होता है। ठीक सामने में देख सकते हैं बड़ी दुर्गा महारानी जी मुंगेर। ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का एकलौता ऐसा माता रानी का दरबार है जिस माता रानी का प्रतिमा का स्वरूप कभी चेंज नहीं हुआ है। गाइस, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिपीठ कह सकते हैं जिस माता रानी से दरबार दर्शन करने के लिए पूरे भारत भर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, खास करके नवरात्रि के दिन, क्योंकि माता से दर्शन करना है तो सिर्फ नवरात्रि में ही आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। गाइस, गाइस, तो फाइनली हम बड़ी दुर्गा के दरबार पहुंच चुके हैं। गाइस, हर एक साल की तरह इस साल भी हम आप लोगों को माता रानी से दर्शन करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार का इकलौता ऐसा माता रानी का दरबार है जिसकी प्रतिमा का स्वरूप कभी चेंज नहीं होता, इसी कारण हम ये हर साल आते हैं आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। गाइस, भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है। ये हम बड़ी दुर्गा महारानी जी का मेन मंदिर, और ठीक अंदर में बड़ी दुर्गा महारानी जी का प्रतिमा है। अभी ये भीड़ देख सकते हैं, ये रास्ता है, और अभी हम अंदर चलेंगे, पूरा आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। मंदिर का स्वरूप जो है आगे का वो हर साल चेंज होता है। ठीक सामने में देख सकते हैं बड़ी दुर्गा महारानी जी मुंगेर। ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का एकलौता ऐसा माता रानी का दरबार है जिस माता रानी का प्रतिमा का स्वरूप कभी चेंज नहीं हुआ है। गाइस, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिपीठ कह सकते हैं जिस माता रानी से दरबार दर्शन करने के लिए पूरे भारत भर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, खास करके नवरात्रि के दिन, क्योंकि माता से दर्शन करना है तो सिर्फ नवरात्रि में ही आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। गाइस, मुंगेर की बड़ी दुर्गा का जो है दुर्गा पूजा का अलग ही महत्व। गाइस, देख सकते हैं आज भी श्रद्धालुओं का भीड़। आप देखिए, आज नवमी है और नवमी के दिन आप भीड़ देख सकते हैं। ये मेन रास्ता है बड़ी दुर्गा तक आने का, और ये ठीक एक रास्ता इस साइड से है, ये मेन मंदिर। ये कमिटी हॉल है गाइस, जहाँ पे संस्था के लोग सभी बैठते हैं, और ऊपर से भी हम जाके शूट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी इस साइड में। अब परेशानी गाइस जो भी हो, कष्ट जितना भी हो, लेकिन जाना है और दर्शन करके आना है और आप लोगों को भी करवाना है। चलिए, तो फाइनली गाइस हम मंदिर के बीच तक तो पहुंच चुके हैं। आप सब बीच से आपको पहले पूरा मंदिर का दर्शन करवाते हैं। ये देखिए बड़ी दुर्गा महारानी जी का मंदिर, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। कलर भी बहुत ही अच्छा है बना इस बार, और लाइटिंग का भी सुविधा बहुत अच्छा किया गया। तो गाइस फाइनली हम बड़ी दुर्गा मंदिर के ऊपर आ चुके हैं और अंदर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको देखें यहाँ से पूरा
स्वरूप दिखाते हैं मंदिर का, आगे का भीड़ आप देख सकते हैं। तो अभी हम फाइनली गए बिहार का सबसे शक्तिशाली मंदिर यानी कि बड़ी दुर्गा महारानी जी के मंदिर के ऊपर है और आप लोगों को साथ साथ माँ दुर्गा का दर्शन करवाने वाले हैं। हालांकि भीड़ इससे इतना ज्यादा है गाइस कि अंदर जाना थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। रुके भैया, ज्यादा पास तो नहीं गए, अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से हम आप लोगों को माता रानी से दर्शन करवाते हैं गाइस, क्योंकि अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। बाहर से हम बाहर से आप लोगों को माँ दुर्गा का दर्शन करवाते हैं। बड़ी दुर्गा ये महारानी जी बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, क्योंकि पिछले का आप जब भी माता रानी का दर्शन करने के लिए आइएगा आप इसी आकार में यही स्वरूप में माँ का दर्शन कर पाइएगा। वो मुंगेर का बड़ी दुर्गा जो है वो दुनिया भर में अलग ही मान्यता है गाइस, क्योंकि माता का स्वरूप जो बिल्कुल वो कभी चेंज नहीं होता है और आज भी देख सकते हैं माता का स्वरूप उसी आकार में, इसी वजह से दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। बड़ी दुर्गा का दर्शन करने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं वहाँ, और फाइनली आज माता रानी से दर्शन हो चुका है गाइस। और देखिए अभी हम माता रानी के पास आए, मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। ऊपर से हम आप लोगों को पूरा मंदिर का भव्य दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। मंदिर के ऊपर भी आ सकते हैं और देखिए हम आपको ऊपर से दर्शन करवाते हैं। सो हटो भाई, अरे वाह, देखिए गाइस बड़ी दुर्गा का मैन प्रतिमा सामने में और भीड़ नीचे देख सकते हैं। ये कुछ माहौल होता है गाइस बड़ी दुर्गा में दर्शन करने के लिए। नवरात्रि में अगर आप बड़ी दुर्गा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो इसी तरह का कुछ आप लोगों को मिलेगा व्यू। गाइस मंदिर के बाहर का एक भव्य नजारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये बड़ी दुर्गा महारानी जी का मंदिर का बाहर का नजारा है गाइस। तो बड़ी दुर्गा का दर्शन करवाने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मुंगेर की छोटी दुर्गा। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए। गाइस अब हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं मुंगेर की बड़ी काली का। बड़ी काली के आप लोगों को दर्शन करवा चुके थे, अभी हम आ चुके हैं छोटी काली के पास। ये है मुंगेर की छोटी काली माता। हाँ गाइस, तो बड़ी दुर्गा समिति के जितने भी सदस्य थे बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज का ब्लॉग जो है हमारा कंप्लीट हुआ। उनके सपोर्ट से ही आज का ब्लॉग हम बना पाए और आप लोगों को अच्छे से दर्शन करवा पाए। तो सभी को दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ भी ये वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों तक हम
फैला दीजिए, मतलब आज तक कभी नहीं आप लोगों को इतना बोले होंगे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे बिहार में जो है ना मुंगेर का बड़ी दुर्गा ऐसे भी बहुत फेमस है और आप लोगों की वजह से और भी फेमस हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।